मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 24-25 आय व्यय का लेखा अनुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। देवड़ा ने कहा, प्रदेश में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं है, ये बजट 4 महीने के खर्च के लिए है। इसके जरिए मोदी की गारंटी पर काम हो रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2024-25 आय व्यय का लेखा अनुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि 4 महीनों के खर्च के लिए अंतरिम बजट है, जिसमें मोदी की गारंटी पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा, एमपी में टैक्स का कोई नया प्रस्ताव नहीं है, अंतरिम बजट में सभी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। ये बजट 1,45,000 करोड़ रुपए का है। पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का बजट ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज प्रस्तुत करेंगे और चर्चा होगी उसको पास करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।